इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि कैसे होमवर्क भेजना है, कोई कोई भी इवेंट के बारे में बताना है, ऑनलाइन मीटिंग के बारे में बताना है, तो किस तरीके से आप एक बेसिक पोस्ट किसी भी एक कोर्स में या पूरी स्कूल को आप कैसे बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ट्यूटोरियल। तो ये जो है ये आपका होम स्क्रीन है, जैसे ही ऐप ओपन करते हैं तो आप इस पेज पे आते हैं। यहां से आप कोर्सेज के टैब पे पहले क्लिक करेंगे जिससे कि आप आपके कोर्सेज में चले जाएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे जूनियर केजी के कोर्स पे पोस्ट करने वाला हूँ तो उसको क्लिक करता हूँ। तो अब मैं जूनियर केजी के कोर्स में आ गया हूँ और कम्युनिकेशन और कंटेंट मुझे दोनों टैब दिख रहे हैं। मैं कम्युनिकेशन में पिंक जो प्लस साइन है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो उस पर क्लिक करने से मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, पोस्ट और पोल। मैं पोस्ट करने वाला हूँ तो मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। नीचे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, यूजर है, शेड्यूलिंग है। हम एक एक करके देखते जाएंगे अलग अलग ट्यूटोरियल्स में। अब मैं होमवर्क देने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में होमवर्क में मुझे जो भी मैसेज लिखना है मैं उस मैसेज को वहां पे लिख देता हूँ कि आज का काम बच्चों ये करना है। तो ऐसा कोई एक मैसेज मैं जो भी कीवर्ड आपका सूट करता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उस पर लिख के फिर चाहे तो हम अटैचमेंट चूज कर सकते हैं। मल्टीपल अटैचमेंट ऑप्शंस हैं, लिंक्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, वर्कशीट है। ये करके सिलेक्ट करके ऊपर एक टिक मार्क है, वो टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट हो जाएगा। होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आ गया है। इसी तरीके से आपको बच्चों को भी मिल जाएगा।